नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस बिजनेस हुए YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी एक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कौन सा बिजनेस में आप लोग जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हो, कौन सा बिजनेस का डिमांड अभी का मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाला है? तो फिर दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूं, जिस बिजनेस का डिमांड अभी का मार्केट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जिसे लगभग हर एक फैमिली में डेली बेसिस में यूज किया जाता है। और आज हम आप लोगों के लिए ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मतलब 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे आप लोग एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत होने वाला है, कौन सा मशीन आपको जरूरत होने वाला है, उस मशीन को आप लोग कहाँ से खरीद सकते हो, कैसे आप लोग इस बिजनेस का प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हो, उसमें कितना खर्च होगा, कितना प्रॉफिट होगा, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस का भी जरूरत होने वाला है, यही सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो। और इस बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करना है, जिससे आप लोग हर महीने का 40,000 से 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा रुपए तक क्या प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हो, उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो फिर दोस्तों, चलिए आज और एक नया और बहुत ही प्रॉफिटेबल एक बिजनेस आइडिया के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया के बारे में वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूं, तो वो आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुंच पाए। और इसी के साथ साथ, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, आज हम आप लोगों को स्टेनलेस स्टील का स्क्रबर पैड मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस आइडिया के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों को इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत होगा उसके बारे में। और दोस्तों, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से इस बिजनेस में आप लोगों को सबसे पहले लेना होगा इस टाइप का स्टेनलेस स्टील का वूल स्क्रबर, जिसे आप लोग अभी का मार्केट में लगभग 160 रुपए से लेके 180 रुपए, 190 रुपए, 200 रुपए पर किलो के हिसाब से बिल्कुल होलसेल रेट में खरीद सकते हो। और इन सारे 1 kg रॉ उल स्क्रबर से आप लोग 80 पीस से लेके 100 पीस तक प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हो, लेकिन इसके लिए साइज डिपेंड करता है आपके ऊपर। और दोस्तों, इन सारे रॉ मटेरियल्स मशीन्स को आप लोग कहाँ से खरीद सकते हो, ऐसे ही कुछ परचेज लिंक और सेलर का एड्रेस के साथ साथ फोन नंबर भी आप लोग को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ। आप लोग उनसे भी कॉन्टेक्ट करके इन सारे रॉ मटेरियल्स और मशीन्स को खरीद सकते हो, या तो आप लोग इंडिया मार्ट की जैसा वेबसाइट से भी इन सारे रॉ मटेरियल्स को और मशीन्स को खरीद के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ, दूसरा जो रॉ मटेरियल्स का आप लोगों को इस बिजनेस में जरूरत होने वाला है, वो है इन सारे स्क्रबर पैड को पैकेजिंग करने के लिए इस टाइप का प्लास्टिक का कप, जिसमें आप लोग स्क्रबर को रख के उसमें पैकेजिंग करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में आप लोगों को जो रॉ मटेरियल्स को खरीदना होगा, वो है इस टाइप का कागज का कार्डबोर्ड, जिसे आप लोग आपका कंपनी का ब्रांड नेम के साथ भी प्रिंट करवा सकते हो। बस यही तीनों रॉ मटेरियल्स का ही आप लोगों को लेना होगा। और मशीन के हिसाब से आप लोगों को लेना होगा बस इस टाइप का एक ब्लास्टर पैकेजिंग मशीन। और आप लोग अगर इस टाइप का एक मैनुअल ब्लास्टर पैकेजिंग मशीन को खरीदते हैं, तो आप लोगों को अभी का मार्केट प्राइस के हिसाब से 20,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक की खर्च करना पड़ सकता है। और इन सारे रॉ मटेरियल्स और मशीन्स का सेलर का एड्रेस और फोन नंबर आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। अभी बात आता है आप लोग कैसे मार्केट में सेल करने के लिए इन सारे स्टेनलेस स्टील्स का स्क्रबर को तैयार कर सकते हो, मतलब इन सारे प्रोडक्ट को आप लोग कैसे तैयार कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो मशीन है, इसे आप लोग आपका घर में ही जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, उससे आप लोग इस मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। और जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से ही इस मशीन की मदद से इन सारे स्टेनलेस स्टील का स्क्रबर्स को तैयार कर सकते हो, और इस मशीन को आप लोग घर से ही ऑपरेट करके इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को इस मशीन का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, उसे ऑन कर लेना होगा। और इस मशीन के साथ आप लोगों को जो इस टाइप का लकड़ियों का डाइस मिला था, उस हर एक डाइस में आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से एक एक स्क्रबर को डालना होगा, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। एक एक स्क्रबर को एक एक प्लास्टिक का कप में डाल के उसे डाइस में रखा जा रहा है, आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से भी कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को उसके ऊपर एक इस टाइप का कागज का कार्डबोर्ड रखना होगा, और उसे ब्लास्टर पैकेजिंग मशीन के अंदर अच्छे तरीके से सेट करना होगा। और इस मशीन का जो हैंडल है, उसे प्रेस करने से ही ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कितना इजी तरीके से इन सारे स्टील का स्क्रबर्स को पैकेजिंग कर सकते हो। तो फिर दोस्तों, चलिए अभी जान लेते हैं आप लोगों को कितना खर्च होगा और कितना प्रॉफिट होगा।
दोस्तों आप लोग अगर इन सारे रॉस कवर को 175 रुपए से लेके 200 रुपए में भी खरीदते हैं, इन सारे प्लास्टिक का कप को खरीदने के लिए आप लोगों को टोटल खर्च होगा लगभग 40 पैसे से लेके 50 पैसे पर पीस के हिसाब से। और इस टाइप का कागज का कार्डबोर्ड के लिए आप लोगों को खर्च होने वाला है 3 रुपए से लेके 4 रुपए पर पीस के हिसाब से, जिसमें आप लोग 12 पीस स्क्रबर्स को एक साथ पैकेजिंग कर सकते हो। तो फिर आप लोग टोटल कॉस्ट हिसाब करके देख सकते हो कि आप लोगों को एक पीस स्क्रबर्स को पैकेजिंग करने के लिए टोटल खर्च होने वाला है लगभग 3 रुपए से लेके 3.5 रुपए पर पीस के हिसाब से। और इन सारे स्क्रबर्स को आप लोग अगर होलसेल रेट में भी 6 रुपए से लेके 7 रुपए में पर पीस के हिसाब से सेल करते हैं तो आप लोगों को लगभग 3 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक की पर पीस के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। और इस एक पीस कागज का कार्डबोर्ड में 12 पीस स्क्रबर्स पैकेजिंग होगा तो फिर इसी के हिसाब से आप लोगों को एक दर्जन स्क्रबर्स को सेल करने के लिए 36 रुपए से लेके 42 रुपए तक की प्रॉफिट मार्जिन आप लोग इनकम कर सकते हैं। और इसी के हिसाब से अगर आप लोग पर डे 35 से 40 दुकानों में एक दर्जन करके भी आप लोग इन सारे स्क्रबर्स को सेल करते हैं तो आप लोग पर डे 1300 रुपए से लेके 1700 रुपए तक की प्रॉफिट मार्जिन इनकम कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले लेना होगा एक ट्रेड लाइसेंस। और जैसे जैसे आपका बिजनेस का टर्नओवर साल में 20 लाख से ज्यादा होगा तब जाके आप लोगों को एक जीएसटी नंबर, ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन और अलग से एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन का भी आवश्यकता होने वाला है। लेकिन आप लोगों को अगर आज के इस बिजनेस आइडिया से संबंधित और भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर आज का इस इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके बहुत बहुत शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारा बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बिजनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनेस आइडियाज फॉर एवरीवन।